हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ये हमारे पास सब जीरो का टेम्परेचर कंट्रोलर है, उसका प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं उसके ऊपर हम आज बात करने वाले, उसका कनेक्शन कैसे होता है उसके ऊपर भी हम बात करने वाले। अगर आपको इस वीडियो से कोई हेल्पफुल जानकारी मिले तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। चलिए फिर हम पहले कनेक्शन देख लेते, बाद में हम प्रोग्रामिंग देखेंगे उसमें हम किस तरह से प्रोग्राम सेट करते। पहले हम उसका कनेक्शन देख लेते। हम यहाँ पे जो पैनल है इसको हम ओपन करते। ये हमारा जो सब जीरो का टेम्परेचर कंट्रोलर है उसके ऊपर यहाँ पे डिटेल है, वो क्या है वो हम देख लेते हैं उसका कनेक्शन के बारे में। जो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड है, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ पे हम NTC सेंसर है, जो मीन्स के टेम्परेचर सेंसर है उसका कनेक्शन यहाँ पे हम करेंगे। जो यहाँ पे 1 और 2 नंबर है और यहाँ पे जो 3 और 5 नंबर है वहाँ पे हम सप्लाई पावर देंगे। जो यहाँ पे 230 वोल्ट है, जो 50 और 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, हम इंडिया में 50 फ्रीक्वेंसी की यूज़ करते हैं, उसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया है, ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगी, उसका कनेक्शन हम यहाँ पे करेंगे। जो सप्लाई वोल्टेज है यहाँ पे जो 6, 7, 8 है, जो कॉमन NONC कॉन्टैक्ट है, जो हमारा कंप्रेसर है उसका हम पावर कनेक्शन यहाँ पे 6, 7, 8 से करेंगे। मीन्स के हम कॉमन में जो पावर देंगे वही हमको NONC से मिलेगा। तो हम कंप्रेसर का इनपुट पावर हम यहाँ से कनेक्शन करेंगे। टेम्परेचर कंट्रोलर है उसका वायरिंग सिंपल ही है। जो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड है वहाँ पे हम NTC सेंसर का कनेक्शन करेंगे। यहाँ पे 3 और 5 नंबर है वहाँ पे हम इनपुट पावर सप्लाई करेंगे और यहाँ पे 6, 7, 8 है, जो NONC कॉमन कॉन्टेक्ट है, वहाँ से हम कंप्रेसर का पावर है वो हम यहाँ से कनेक्ट करेंगे। तो चलिए अपन इसका हम प्रोग्रामिंग देख लेते। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है जो सब जीरो का टेम्परेचर कंट्रोलर है उसका कनेक्शन कैसे होता है उसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली है। हम उसका प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, मीन्स कि हम कौन कौन सा पैरामीटर सेट करते हैं उसके बारे में हम बात करने वाले। हमको टेम्परेचर सेट करेंगे, जो यहाँ पे सेट किए उसको आप 2 सेकंड के लिए प्रेस रखेंगे तो यहाँ पे जो ब्लिंकिंग हो रही है वो हम टेम्परेचर सेट करेंगे। यहाँ पे आप कोई भी टेम्परेचर सेट कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन के। यहाँ पे मान लो कि हमने 20 सेल्सियस जो हमने सेट किया तो हम सेट की प्रेस करेंगे। जो यहाँ पे 2 डॉट है मीन्स के उसका मतलब क्या है कि हमारा प्रोग्राम ने हमने जो सेट किया वो मेमोरी में स्टोर हो गया। जो ये 2 डॉट है वो उसका सिग्नल है। तो चलिए अपन हम इसके में प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो अप एंड डाउन की है, जो डाउन की है उसमें प्रोग्राम लिखा है, उसको आप 2 सेकंड के लिए प्रेस रखेंगे तो हमारा पैरामीटर है जो P1 है, P2, P3, P4, P5, P6, E1 है, P0, LP, FS, EP, P1, तो हमारा ये सब पैरामीटर है उसमें हम किस तरह सेट करते हैं उसके ऊपर हम आज बात करने वाले। जो यहाँ पे P1 है उसका मतलब क्या है, जो P1 है तो उसमें हम जो कूलिंग के लिए या हीटिंग के लिए यूज़ करेंगे। जो यहाँ पे उसमें 0 या 1 हम सेट कर सकते हैं, जो यहाँ पे 0 या तो 1 सेट कर सकते हैं। तो 0 है जो कूलिंग के लिए यूज़ होता है, कूलिंग के लिए हम 0 सेट करेंगे, और हीटिंग है तो हम वहाँ पे 1 सेट करेंगे, जो हीटिंग एप्लीकेशन के लिए हम 1 सेट करेंगे। आप कोई भी 0 या 1 सेट कर सकते हैं, यहाँ पे हम 0 सेट करेंगे क्योंकि हम कूलिंग के लिए यूज़ करेंगे। जो यहाँ पे P1 है, यहाँ पे P1 है उसमें हम कूलिंग या हीटिंग के लिए हम 0, 1 सेट करेंगे। यहाँ पे P2 है उसका मतलब क्या है, जो हाई टेम्परेचर है वो हम यहाँ पे सेट करेंगे, जो मैक्सिमम टेम्परेचर है। यहाँ पे मैंने 36 डिग्री है जो हमने सेट किया है। यहाँ पे आप कोई भी टेम्परेचर आप सेट कर सकते हो, जो आपको मैक्सिमम रखना है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम सेट कीप दबाएंगे तो यहाँ पे दो डॉट आया, उसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो प्रोग्राम है जो मेमोरी में स्टोर हो गया। तो अपनी एप्लीकेशन के मुजब आप मैक्सिमम जितना डिग्री सेल्सियस सेट करेंगे उसके ऊपर जाएगा तब उसमें हीटिंग का एरर आएगा। चलिए फ्रेंड उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। यहाँ पे जो P3 है, P3 का मतलब क्या है वो हम देख लेते हैं। लो वैल्यू टेम्परेचर है जो यहाँ पे P3 में हम सेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 3 डिग्री है जो हमने सेट किया है। यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन के मुजब आप मिनिमम जितना टेम्परेचर रखना चाहते हो वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। हमने जो सेट किया है उससे कम सेल्सियस होगा तब यहाँ पे लो टेम्परेचर का एरर आएगा, उसके बारे में हम आगे प्रैक्टिकली देखेंगे। यहाँ पे जो P4 है उसका क्या मतलब है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे जो 2 सेल्सियस है हमने सेट किया है, जो मीन्स के फैक्ट्री सेटिंग है, उसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे, उसका मतलब क्या है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे जो हमने सेटिंग किया था, जो P1 है, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, जो P1 प्रोग्राम है उसमें हमने सेट किया था कूलिंग के लिए, जो 0 है जो कूलिंग के लिए, और जो 1 था हीटिंग के लिए, यहाँ पे हमने 0 सेट किया था कूलिंग के लिए। हम आगे देख लेते हैं, जो हमने P4 है उसमें 2 डिग्री सेल्सियस है वो सेट किया, उसका मतलब क्या है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे जो P2 है उसमें हमने क्या सेट किया था, यहाँ पे 35 डिग्री है जो हम सेट किया था, तो हमने P4 है उसमें 2 डिग्री सेट किया है, तो उसका क्या मतलब है, यहाँ पे जो 35 होगा तो
तब हमारा जो टेम्परेचर कंट्रोलर है जो ऑफ हो जाएगा, जैसे 2 डिग्री का डिफरेंस आएगा मीन्स के 33 आएगा, वैसे ऑटोमेटिकली जो सब जीरो टेम्परेचर कंट्रोलर है जो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। और इसलिए यहाँ पे हमने जो P4 में 2 डिग्री है जो हमने सेट किया है। चलिए फिर हम नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे P5 है उसका क्या मतलब है। जो फैक्ट्री सेटिंग है उसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे, उसमें 0 ही है वो हम 0 ही रखेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पे हम नेक्स्ट देख लेते हैं जो P6 है, P6 का क्या मतलब है वो हम देख लेते हैं। P6 है जो टाइम डिले है मीन्स कि यहाँ पे जो 3 मिनट है हमने सेट किया है, यहाँ पे आप कोई भी मिनट सेट कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4 आपको जितने मिनट है जो टाइम डिले चाहिए वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 3 मिनट सेट किया है मीन्स कि जैसे हम CPU ऑन करेंगे तब 3 मिनट डिले है जो हमारा कंट्रोलर है जो ऑन होगा। चलिए फिर हम नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है। जो यहाँ पे नेक्स्ट है E1 है, E1 का क्या मतलब है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम 0 सेट कर सकते हैं, 1 सेट कर सकते हैं और 2 सेट कर सकते हैं। तो उसका क्या मतलब है, जो हम 0 सेट करेंगे तो क्या होगा, जो NTC सेंसर है जो फॉल्ट होगा तब हमारा जो 0 सेट होगा तब हमारा कंट्रोलर है जो ऑफ हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपने 1 सेट किया, जो अगर आपने 1 सेट किया तो हमारा जो सेंसर है जो फॉल्ट होगा तब भी हमारा कंट्रोलर है जो ऑन होगा जो 1 सेट किया होगा। तो यहाँ पे 2 सेट किया होगा तो ड्यूटी साइकिल पे हमारा जो कंट्रोलर है जो ऑन ऑफ होगा मीन्स के 10 मिनट ऑन होगा और 4 मिनट ऑफ होगा। यहाँ पे आपने E1 में 2 सेट किया होगा तो ये ड्यूटी साइकिल पे ऑपरेट होगा। अपनी एप्लीकेशन के हिसाब से यहाँ पे 0, 1, 2 आप सेट कर सकते हैं, आपको कौन सा सेट करना है। चलिए फिर हम नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे P0 है, P0 का क्या मतलब है, जो फैक्ट्री सेटिंग है वो 0 ही है, उसमें हम कोई चेंज नहीं कर रहे। नेक्स्ट है यहाँ पे LP है, जिसके आपको कीपैड लॉगिंग करना है तो यहाँ पे LP प्रोग्राम में से कर सकते हैं। यहाँ पे हम 0 एंड 1 सेट कर सकते हैं। यहाँ पे मान लो कि आपने 0 सेट किया तब हमारा अनलॉक होगा कीपैड, आप कोई भी टेम्परेचर है वो चेंज कर सकते। अगर यहाँ पे 1 सेट किया तो हमारा कीपैड है जो लॉक हो जाएगा। कैसे होगा, पहले हम फर्स्ट स्क्रीन पे चले जाते हैं जहाँ पे हमारा लाइव टेम्परेचर जो 8 डिग्री हम सेट किए हैं उसको हम प्रेस करेंगे तब भी हमारा जो यहाँ पे सेट वैल्यू है हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हमने यहाँ पे कीपैड है जो लॉक किया है उसको आपको अनलॉक करना है। तो कैसे होगा, यहाँ पे हम जो प्रोग्राम किए उसको हम प्रेस करेंगे और हम प्रोग्राम में जाएंगे और यहाँ पे जो LP है जो हमारा लॉक स्क्रीन है यहाँ पे हम LP है उसमें हमने 1 सेट किया है तो वहाँ पे हम 0 सेट कर देंगे। 0 सेट करेंगे हमारा जो कीपैड है जो अनलॉक हो जाएगा। यहाँ पे हम फर्स्ट स्क्रीन पे चले जाते हैं, बाद में हम टेम्परेचर चेंज करेंगे जो यहाँ पे हम सेट किए, जैसे ही प्रेस करेंगे यहाँ पे जो हम वैल्यू है वो हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो कीपैड है जो अनलॉक हो गया। चलिए फिर हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्या है। जो हम यहाँ पे जो फिर से प्रोग्राम में जाएंगे, यहाँ पे हम फिर से प्रोग्राम किए उसको हम प्रेस करेंगे और हम प्रोग्राम में जाएंगे। यहाँ पे हमने जो लास्ट देखा था जो LP देखा था जो लॉक स्क्रीन देखा था, उसके बाद यहाँ पे FS है मीन्स के फैक्ट्री सेटिंग है। यहाँ पे हम 0 एंड 1 सेट कर सकते हैं। यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे हमने 0 सेट किया तो क्या होगा, हमारा जो प्रोग्राम हमने सेट किया है मीन्स के हमने पैरामीटर सेट किया है उस हिसाब से हमारा टेम्परेचर कंट्रोलर है जो ऑन ऑफ होगा। अगर यहाँ पे आपने 1 सेट कर दिया तो हमारा जो फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा। हम नेक्स्ट देख लेते हैं जो यहाँ पे EP है, EP का मतलब क्या है। जो हम फर्स्ट स्क्रीन में चला जाएंगे हम जैसे सेट करेंगे जो यहाँ पे 8 डिग्री है जो हमारा लाइव टेम्परेचर है जो यहाँ पे 8 डिग्री सेल्सियस है ने देखा, तो इस तरह से हम यहाँ पे जो पैरामीटर है जो हम सेट कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन के मुजब। मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर हम यहाँ पे सब जीरो का टेम्परेचर कंट्रोलर है उसमें हम सेट कर सकते हैं। चलिए फिर हम नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे जो हम सेट किया जो 8 डिग्री है जो हमारा लाइव टेम्परेचर है, यहाँ पे हम उससे मिनिमम टेम्परेचर करेंगे तब हमारा कंप्रेसर है जो ऑन हो जाएगा। यहाँ पे हम जो 6 डिग्री हम सेट किया जो हमारा कंप्रेसर ऑन हो गया, यहाँ पे सिग्नल मिल गया कि टेम्परेचर कंट्रोलर है जो ऑपरेट हो गया। हमने जो NONC कॉन्टैक्ट देखा था वहाँ से कंप्रेसर है जो ऑन हो गया। यहाँ पे 6 डिग्री सेल्सियस पे पहुँच जाएगा तब हमारा टेम्परेचर है जो ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे हमारा जो टेम्परेचर है वो 8 डिग्री है इसलिए यहाँ पे हम उससे ज़्यादा टेम्परेचर सेट करेंगे। यहाँ पे जो हमारा लाइव है जो 8 डिग्री है, हम यहाँ पे 10 डिग्री है हम सेट करेंगे तो हमारा कंप्रेसर ऑफ हो गया, हमारा सिग्नल यहाँ से चला गया। यहाँ पे जो हमारा टाइमिंग है जो हमने टाइम डिले सेट किया था वो यहाँ पे सिग्नल दिखा रहा है। हमारा टेम्परेचर कंट्रोलर है और 3 मिनट हमने टाइम डिले सेट किया है तो 3 मिनट के बाद ही हमारा टेम्परेचर कंट्रोलर जो ऑपरेट होगा। यहाँ पे हम उसको पहले मिनिमम कर लेते हैं मीन्स कि यहाँ पे जो हमने टाइम डिले सेट किया है तो यहाँ पे 3 मिनट तक हम वेट नहीं कर सकते क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर टाइम डिले वो पहले हम कम कर लेते हैं। जो हम प्रोग्राम में जाएंगे यहाँ पे जो पैरामीटर 6 है मीन्स के P6 है उसमें हमने यहाँ पे 3 मिनट सेट किया है उसको हम कम करेंगे। यहाँ पे P5 P6 है, यहाँ पे 3 मिनट है उसको हम 0 कर देते हैं।
क्योंकि हमारा जो ये वीडियो है जो लंबा ना हो, यहाँ पे हम जैसे जीरो सेट किया तो हमारा जो टाइम डिले का सिग्नल है जो यहाँ पे था वो चला गया, क्योंकि हमारा जो टाइम डिले है जो जीरो मिनट है मीन्स कि यहाँ पे डायरेक्टली ऑन हो जाएगा। फिर हम देख लेते हैं कि मैक्सिमम टेम्परेचर एंड मिनिमम टेम्परेचर का एरर कैसे आता है, यहाँ पे डिस्प्ले पे क्या सिग्नल आता है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम पहले प्रोग्राम में जाएंगे, फिर हम हमारा जो प्रोग्राम है जो मीन्स के पैरामीटर 2 है, यहाँ पे 35 डिग्री है जो मैक्सिमम टेम्परेचर है उसको हम पहले मिनिमम करेंगे, क्योंकि हमारा जो लाइव टेम्परेचर है जो 8 डिग्री है उससे हम मिनिमम करेंगे। बट यहाँ पे जो मिनिमम है जो 11 डिग्री सेल्सियस है उससे हम कम नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम 11 है। हम यहाँ पे लो टेम्परेचर एरर हम देख लेते हैं, उस हिसाब से हम आपको हाई टेम्परेचर एरर आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे जो लो टेम्परेचर है यहाँ पे P3 है उसमें 5 डिग्री हमने सेट किया है। यहाँ पे जो हमारा लाइव टेम्परेचर जो 8 डिग्री है उससे हम एक ज़्यादा करेंगे मीन्स कि यहाँ पे 9 सेट करेंगे, तो यहाँ पे जो आपको अलार्म का सिग्नल मिल गया और हमारा टेम्परेचर कंट्रोलर है उसमें यहाँ पे जो LT मीन्स के लो टेम्परेचर का सिग्नल मिल रहा है जो डिस्प्ले पे, इसी तरह से हमारा हाई टेम्परेचर का भी सिग्नल मिलेगा कि हमारा टेम्परेचर हमने सेट किया है उससे ज़्यादा होगा, हाई टेम्परेचर का जो डिस्प्ले सिग्नल आएगा। यहाँ पे हम फिर से प्रोग्राम में जाएंगे और P3 में हमने 9 सेट किया है उससे हम कम कर देंगे, यहाँ पे हमने P4 कर दिया तो हमारा जो सिग्नल है जो यहाँ पे अलार्म सिग्नल है वो चला गया। तो इस हिसाब से यहाँ पे जो हाई टेम्परेचर वैल्यू एंड लो टेम्परेचर वैल्यू है यहाँ पे जो डिस्प्ले पे एरर आएगा जो हाई टेम्परेचर एंड लो टेम्परेचर के, यहाँ पे हम P2 है जो उसमें मैक्सिमम टेम्परेचर और यहाँ पे मिनिमम 11 सेट कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे जो हमारा लाइव टेम्परेचर जो 8 डिग्री है तो हम यहाँ पे HT जो मीन्स के हाई टेम्परेचर एरर है वो हम यहाँ पे नहीं दिखा सकते। तो आई होप कि आपको पता चल गया कि सब जीरो का जो टेम्परेचर कंट्रोलर है उसमें हम किस तरह से प्रोग्राम है हम सेट कर सकते हैं, जो पैरामीटर हम सेट कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, आपकी कमेंट एंड लाइक हमको सपोर्ट करती है आगे अच्छे टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए। अगर आप हमारी चैनल पर नए हो तो हमारी चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिक रिलेटेड ऐसे वीडियो अपलोड करता रहता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिले।